प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और सुखी रहे। प्यारे बच्चों, आपके टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं। ये मोटिवेशनल स्पीचेस देने का कारण क्या है? ताकि आपको प्रेरित किया जा सके आपकी पढ़ाई के लिए, आपके अंदर अच्छे संस्कार आए इसलिए, आप अपने माता पिता का आदर करें इसलिए ये मोटिवेशनल स्पीचेस आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप इनसे प्रेरित होकर आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो प्यारे बच्चों, ये मोटिवेशनल स्पीचेस ऐसे ही नहीं है। जो बच्चा अपने गुरुजनों के दिए हुए निर्देशों अनुसार चलेगा, वो बच्चा निश्चित तौर पर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। ये जो स्पीचेस टीचर्स के द्वारा दी जा रही है, ये निश्चित तौर पर आपके जीवन को उज्जवल बनाएंगे। यदि जो बच्चा अपने गुरुजनों के दी हुई शिक्षाओं पर चलेगा, निश्चित तौर पर ही वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। प्यारे बच्चों, बार बार टीचर आपको समझाते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अनुशासन में रहिए, अच्छे चरित्र के बनिए, अच्छी अच्छी शिक्षाएं आप ग्रहण करिए, अपने माता पिता और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। इसलिए ये टीचर, ये गुरुजन आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको दे रहे हैं, ताकि आप प्रेरित होकर उनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुगम बना सके, अच्छा बना सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, आपके टीचर्स के द्वारा दी हुई इन शिक्षाओं के का अनुपालन कीजिए और अपने जीवन को उत्तम बनाए। थैंक यू। बेटे, जो लेसन आपका 12th पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो लेसन चल रहा है, वो चल रहा है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेशी संबंध। इन एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में हमने आपको बताया कि इंडिया चाइना के बीच में किस तरह के संबंध है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में किस तरह के संबंध है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरह के संबंध है। ये सारे के सारे संबंध हमारी विदेश नीति पर निर्भर करते हैं कि भारत की विदेश नीति कैसी है और भारत की विदेश नीति किस तरह से बनी है। आपको बता देते हैं कि भारत को जिस तरह से आज़ादी प्राप्त हुई थी, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और वही हमारे पहले विदेश मंत्री भी थे, तो उन्होंने ही हमारी विदेश नीति को बनाया। और जो विदेश नीति भारत की बनी, उसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य था वो क्यों बनाई गई, ताकि हम अपना आर्थिक विकास कर सके, अपनी संप्रभुता को रक्षा कर सके और जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसको बनाए रखें। इन तीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी विदेश नीति को बनाया। उन्होंने हमारे विदेश नीति की जो मुख्य बात है, हमने जिस नीति को अपनाया वो अपनाया गुटनिरपेक्षता की नीति को, नॉन अलायंस की जो पॉलिसी उसको अपनाया, ताकि दोनों गुटों से हम बराबर दूरी रख सके और अपना आर्थिक विकास कर सके। इसलिए हमारे विदेश नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है गुटनिरपेक्षता। दोनों गुटों से दूर रहकर हम किस तरह से अपना आर्थिक विकास कर सके, विश्व में शांति स्थापित कर सके, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की है। अब उसी नीति पर किस तरह की हमारी नीति बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह की हमारी विदेश पॉलिसी, विदेश नीति बनाई, उसी के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या थे। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो विदेश नीति है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, क्योंकि वो एक विश्व नेता थे और एक विश्व नेता के रूप में वो चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो
और हर देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखे, हर देश अपने अपने दूसरे देशों पर हमला न करे, अटैक न करे, उनकी संप्रभुता को नुकसान न पहुंचाए और उनकी उनका सम्मान करे। इस तरह की नीति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। उसके कुछ सिद्धांत मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो पहला सिद्धांत था कि जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। भारत के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिसी हमारी अपनाई वो क्या थी, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। क्यों अपनाया? एश्योर्ड दैट द फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द सुपर पावर। ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्यों अपनाई भारत ने, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम अपना आर्थिक विकास कर सकें और दोनों जो सुपर पावर थे अमेरिका और रूस, दोनों से इंडिपेंडेंट रहते हुए किस तरह से हम अपना आर्थिक विकास कर सके, अपने संप्रभुता को बनाए रख सके। इस कारण से हमारे जो विदेश नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो था नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष। यह हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू रहा है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, ताकि दोनों सुपर पावर से अलग अलग रहकर हम किस तरह से अपने आर्थिक विकास कर सकते हैं। ये पॉलिसी, ये विदेश नीति हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई। दूसरी, उन्होंने क्या किया, दूसरा सिद्धांत क्या था? ही स्ट्राइव फॉर एफ्रो एशियन यूनिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफ्रीका और जो एशियन महाद्वीप है उनके देशों के अंदर एकता बनाए रखने का प्रयास किया। एंड कन्वेन द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। और किस तरह से एशिया के देशों के बीच में आपस में अच्छे संबंध स्थापित हो सके, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड एंटी कॉलोनियल एंड एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट। देखो, ध्यान रखिए, हमारे विदेश नीति का दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था कि हमारी जो विदेश नीति है वो किसके विरुद्ध है, वो कॉलोनियल और इंपेरियलिस्ट, उपनिवेशवाद और साम्राज्य का विरोध करने वाली हमारी पॉलिसी रही है। हमारे देश की जो विदेश नीति है वो हमारे क्या चाहता है हमारा देश, कि कोई भी देश किसी का गुलाम न बने, साम्राज्यवादी जो परंपरा है उसको तोड़ा जाए, उसका विरोध करती है हमारी विदेश नीति का पहलू। दूसरा कौन सा है, हमारी विदेश नीति में स्पष्ट है कि हमारा देश हमेशा कॉलोनियल और इंपेरियलिस्ट का विरोधी रहेगा। एंड इन एशिया एंड अफ्रीका एंड सपोर्टेड लिबरेशन स्ट्रगल इन इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। और हमारे देश ने हमेशा साथ किसका दिया है, जो लिबरेशन स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता के लिए जो देश लड़ रहे हैं उनका हमेशा सहयोग किया है। हमेशा वो चाहते हैं कि कोई भी देश किसी भी देश का गुलाम न हो, कॉलोनियलिज्म न हो, और हमेशा एंटी इंपेरियलिस्ट हमारी पॉलिसी रही है, साम्राज्य विरोधी रही है और उपनिवेशवाद विरोधी हमारी पॉलिसी रही है। उससे आगे, ही आल्सो स्ट्राइव फॉर वर्ल्ड पीस। हमारी हमेशा नीति रही है कि हमारा पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित हो, पूरे देश में शांति स्थापित हो, इसके लिए भारत हमेशा प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि शीत युद्ध के दौरान भी भारत ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था कि यूएस और रूस के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो, किसी तरह का कोई युद्ध न हो। इसलिए भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाकर दोनों से बराबर दूरी बनाए रखने के साथ साथ उन दोनों गुटों के अंदर आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की थी। तो भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण पहलू, तीसरा पहलू कौन सा है, भारत हमेशा विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश करता है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। ही आल्सो स्ट्राइव फॉर वर्ल्ड पीस एंड सपोर्टेड न्यूक्लियर डिजास्टमेंट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। भारत हमेशा चाहता है विश्व के अंदर शांति हो और जो आपस में जो विश्व के अंदर मुद्दे हैं वो शांतिपूर्वक सुलझ सके। इस कारण से नेहरू की पॉलिसी के महत्वपूर्ण जो पहलू रहे हैं, भारत की नीति जो विदेश नीति है उसका महत्वपूर्ण पहला पहलू है संप्रभुता को बनाए रखना, हर देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखे। भारत की हमेशा विदेश ये पॉलिसी रही है कि कोई भी देश हमारी संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाए, वो शून्य बनी रहे, और भारत की हमेशा कोशिश रही है कि वो दूसरे देशों की संप्रभुता का आदर करता है। दूसरा, विश्व शांति में भारत का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, हमेशा भारत कोशिश करता है कि विश्व में शांति स्थापित रहे, हर देश के अंदर किसी कोई भी देश
किसी मुसीबत में ना आए और हमेशा उनका सहयोग करें। हमेशा भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है विश्व शांति स्थापित करने में। आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं भारत में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि किस तरह विश्व में शांति स्थापित हो सके। और भारत हमेशा उपनिवेशवाद और साम्राज्य का विरोधी रहा। ये महत्वपूर्ण जो चार तत्व है, संप्रभुता को बनाए रखना, दूसरा विश्व शांति को प्रोत्साहन करना, और तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सहयोग करना, और हमेशा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं। आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि शिमला समझौता क्या है, उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। अब हम आपको शिमला समझौते के बारे में बताएंगे कि शिमला एग्रीमेंट क्या है। यार बच्चों, इस शिमला जो एग्रीमेंट है, शिमला के बारे में तो आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जो कि भारत के अंदर है। शिमला समझौता क्यों हुआ? इसका मेन मकसद था भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का अंत करने के लिए और एशिया के इस उपमहाद्वीप के अंदर शांतिपूर्ण या मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये शिमला समझौता हुआ था। इस शिमला समझौते की मुख्य बातें थी, उनको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शिमला समझौता था ये 2 जुलाई 1972 का हुआ था। उस समय पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, दे प्रेसिडेंट। वहाँ के पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच ये 2 जुलाई 1972 को ये एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत कुछ निर्णय हुआ था, कुछ बातों पर सहमति हुई थी। वो क्या थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश आपस के जो मुद्दे हैं वो मैत्रीपूर्ण तरीके से, दोस्ताना तरीके से, शांति के मार्ग पर चलते हुए दोनों ही अपने अपने मुद्दों को सुलझाएंगे। दूसरी बात क्या थी कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, कुछ ऐसे प्रचार नहीं करेंगे जिससे दोनों देश बदनाम हो, और दोनों ही सरकार, मतलब इसका मतलब कि दोनों ही सरकार एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं करेगी और ऐसी खबरों को प्रकाशित करेगी जिससे दोनों देशों के संबंध आप अच्छे हो सके, और दोनों सरकार को स्थायी संबंध स्थापित करने के लिए कुछ बातों पर निर्णय किया गया कि संचार सुविधाओं की जो सेवाएं उनको बहाल कर दिया जाएगा, यातायात की सुविधाएं दोनों देशों के बीच में शुरू की जाएगी, इसी तरह से जो व्यापारिक संबंध है वो स्थापित किए जाएंगे, और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर जो आपसी सहयोग है उसको बढ़ावा मिलेगा, और स्थायी शांति के लिए दोनों देशों के बीच स्थायी शांति के लिए प्रयास किए गए, और उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया कि दोनों ही देश जो LOC थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की जो रेखा थी, उनका सम्मान करेंगे, और इस समझौते के लागू होने के 20 दिन के अंदर अंदर दोनों ही सेनाएं अपने अपने प्रांत में लौट जाएगी और दोनों देशों की सेनाएं आपस में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर वापस लौट आएगी। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय शिमला समझौते में लिए गए थे ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसका अंत हो सके। तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे शिमला एग्रीमेंट। तो द शिमला एग्रीमेंट वाज ए पीस ट्रीटी साइन इन शिमला। तो शिमला समझौता था ये एक पीस ट्रीटी थी, एक शांति संधि थी, किनके बीच में? शिमला में हुई थी, बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे और इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये शिमला समझौता हुआ था इन जुलाई 1972 में हुआ था। द ट्रीटी वाज साइन आफ्टर द वार ऑफ 1971। ये जो ट्रीटी थी, ये संधि थी, ये 1971 के युद्ध के बाद हुई थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एंड एफर्ट वाज मेड टू नेगोशिएट पीस एंड कोऑपरेशन। और क्या प्रयास किए गए कि दोनों देशों के बीच में आपस में शांति बनाए रखें और दोनों देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे वो साइंटिफिक मैटर हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे आपस में यातायात के साधन है या संचार के साधन है या व्यापारिक जो मामले हैं, आपस में एक दूसरे के सहयोग करेंगे और दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का आदर करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनाई गई थी उसका सम्मान करेंगे, और इस
एग्रीमेंट के लागू होने के 20 दिन के अंदर अंदर दोनों सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएगी। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करने के लिए, युद्ध का अंत करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको दे रहे हैं, सभी बच्चों को वो अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।